जय हिंद दोस्तों। कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के हत्यारे आतंकवादियों को इंडियन आर्मी ने घर से निकालकर ठोक दिया। जी हां दोस्तों, मात्र 48 घंटे में अमरीन भट्ट के हत्यारों को ढेर कर दिया इंडियन आर्मी ने। अमरीन भट्ट का बदला ले लिया। क्या है पूरा मामला, चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए। देखिए, टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के कातिल आतंकियों को सुरक्षा बलों ने गुरुवार ढेर कर दिया। अमरीन की हत्या के 48 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को गोलियों से भून दिया, ठोक दिया। घर में जाकर आतंकवादियों के सर में गोली मारी इंडियन आर्मी और उनको बताया कि इंडियन आर्मी के बराबर पावरफुल इस दुनिया में कोई आर्मी नहीं है। हत्या में शामिल दोनों आतंकी लोकल टेररिस्ट थे, हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर ही अमरीन भट्ट की हत्या की थी। आपको बता दें कि पूरा ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। जी हाँ दोस्तों, 5 घंटे तक घर में छिपा रहा था अमरीन भट्ट का हत्यारा। गुप्त सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और करीब 5 घंटे एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया। एनकाउंटर देर रात करीब 9:30 बजे शुरू हुआ, जो 2:30 बजे तक चला। दोनों आतंकी घर में छिपे थे। जम्मू कश्मीर के IGP विजय कुमार ने सबसे पहले ट्विटकर आतंकियों के घेरे जाने की सूचना दी थी। आपको बता दें कि कश्मीर के बड़गांव जिले के चदरा के हिसरू इलाके में बुधवार को टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को आतंकियों ने गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। घटना के वक्त अमरीन अपने घर के बाहर 10 साल के भतीजे के साथ खड़ी थी, तभी वहां पर आतंकवादी आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें तुरंत ऑन द स्पॉट अमरीन भट्ट की मौत हो चुकी थी और उनका 10 साल का भतीजा घायल हो गया था। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी पावरफुल है, जिसने मात्र 48 घंटे में अमरीन भट्ट के हत्यारों को ढेर कर दिया। आप लोगों का क्या कहना है इस आतंकवादियों को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं बता दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर।